बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे रावलपिंडी रिंग रोड, जो पहले ही बड़ा मुतनाज़ रहा उसके हवाले से बाकायदा दोबारा मंजूरी हो गई है। जो नया लेआउट प्लान है उसके मुताबिक कितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ उसमें आ रही हैं और कितनी सोसाइटियाँ उससे मुतासर हो रही हैं। ये वजारत इत्तला तो नशियात में होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उन पर बात करेंगे, और नया PIO कौन हो सकता है। इसके साथ एक तीसरी स्टोरी जो पिछली दफ़ा भी हमने की उसी का तसलसल है कि चकवाल के साथ पिछले दौर में क्या बड़े दो जुल्म हुए। राणा साहब, आपने पिछली दफा ये कहा था कि खबर छापने के भी पैसे मिलते हैं और छुपाने के भी पैसे मिलते हैं। जी जी। मुझे तो अब ये लगता है कि वो वक्त आने वाला है, ना खबर छापने के पैसे मिलेंगे ना छुपाने के मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जी, जो इस टाइम मीडिया के हालात चल रहे हैं। शायद जान बूझ कर जो है ना पाकिस्तान में सहाफत का गला घोंटा जा रहा है। आप ये देखें कि पिछले चंद सालों से जिस तरीके से अखबारात और सहाफियों के खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं, उसमें ये लग रहा है वो पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहती है। उसके लिए आप देखें कि ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि अखबारात जो हैं वो बंद हो रहे हैं। अच्छा जी, लग ये रहा है कि कुछ लोग जिन्होंने अपनी जो है शौक़ से चैनल निकाले थे और उस तरह प्रोफेशनल अंदाज में नहीं चला रहे, वो तो आप समझ रहे हैं कि कम्प्लीट तौर पर शट डाउन हो जाएंगे। और कुछ चैनल जो प्रोफेशनल चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उनको प्रोफेशनल अंदाज में चलाया जा रहा है, उनका शायद कोई कुछ देर सर्वाइवल रहे। राणा साहब, फिर खबर दे ही दें इससे पहले कि मीडिया ही ना रहे, तो खबर फिर क्या? हाँ जी, खबर हम देंगे इंशाल्लाह। आपका जो चैनल है रिंग रोड के हवाले से आपके पास जो खबर है वो हाँ जी, हाँ जी, रिंग रोड के हवाले से शायद ये है कि रिंग रोड जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है। इस टाइम सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो जो इस्लामाबाद के हाईवे पे है, जिसपे आप देखें DHA भी है, जिसपे PWD और तमाम बड़ी सोसाइटीज़ रोवाता का आप देखें तो जितनी बड़ी सोसाइटीज़ हैं उसके लेफ्ट राइट पे हैं। उस पर यह है कि वहाँ की ट्रैफिक के साथ साथ डेली 15,000 से 20,000 ट्रक जो है यहाँ से गुजरता है। ट्रक, बसें और बड़ी जो बड़ी व्हीकल्स हैं ना, हैवी व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं। उसकी वजह से यह है कि हाईवे पे हर टाइम पे आप जिस टाइम पे जाएं ना तो वहाँ पे ट्रैफिक फंसी रहती है, और लोगों को वहाँ पे जो बच्चों ने स्कूल जाना है, जो लोगों ने ड्यूटी पे जाना है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। नई क्या इसमें है, नई चीज़ जो नया प्लान बनाए? प्लान तो पहले PTI ने भी बनाया था जी जी, और वो मुतनाज़ा हो गया। हाँ, मौजूदा में क्या है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? जी, PTI में जो बनाया था ना, जो उस वक्त बुज़दार के दौर में जिसमें कहा जा रहा था कि फरा गोगी और जुल्फी बुखारी समेत जो है ये सारे लोग जो है बैकडोर चैनल पर उस रोड पे ऐसा रोड बना रहे हैं जिसमें तमाम हाउसिंग सोसाइटी से बैकडोर चैनल पर ये पैसे ले रहे हैं और उनको सबको ये कह रहे हैं कि जी आपकी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो हम लेके आएंगे। और वो तकरीबन उस वक्त कुछ 66 किलोमीटर पर इन्होंने ये बनाया था, रिंग रोड का साइज 66 किलोमीटर का बनाया था। अब ये कम करके 38 किलोमीटर आ गया, इसमें अब कई सोसाइटीज़ जो हैं वो उड़ा दी हैं इन्होंने। अब ये है कि ये अब ये प्योरली उस फासले को रखे बनाया, फासले को रखे मद्देनजर रखे कंसिडरेशन वो नहीं है करप्शन वाली जो होगी, अभी भी होगी। ये देखिए हमारी जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, महकमा माल के लोग बैठे हैं, ये कभी भी जो है ना 100% आप समझें कि यहाँ पे ऑनेस्टली काम नहीं। अब ये है कि जिन लोगों ने पैसे दिए हैं पिछले दौर में बुज़दार ग्रुप को, उनको निकाल दिया गया। अब जो नई जो सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अभी उसको जो पैसे दिए हैं इंतज़ामिया जो है उनको दिए हैं, तो उनके जो है ना उन्हें ऐसा रूट बनाया गया कि उनकी सोसाइटीज़ को अंदर किया जाएगा। लेकिन ये है कि देखें शाह जी, बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी रोड्स बनते हैं ना, आप ये देखें कि जब मोटरवे बने उस वक्त भी मुझे NHA के एक मेंबर ने बताया, उसने कहा कि जी मोटरवे अगर सही ईमानदारी से अगर बनाया जाता तो ये 100 किलोमीटर जो है ना ये फासला कम हो सकता था। कि चौधरी निसार अली खान ने अपने ज़मीनों को मोटरवे पर लाने के लिए 100 किलोमीटर ज़्यादा, इसका मतलब है कि जिसका भी हाथ पड़ता है वो जी ऐसे ही है जी, इस तरह ही है। और अब ये था कि अब हर गाड़ी जो यहाँ से गुजरती है वो 100 किलोमीटर फासला ज़्यादा तय कर, यानी कि 3,000 से 4,000 रुपये का पेट्रोल और पाकिस्तान के जो एनर्जी, उसके अलावा टाइम का ज़्यादा एक ग्रुप एक बनता है, फिर वो प्लान चेंज हो जाता है, फिर दूसरी आती है तो वो चेंज हो जाता है। अब उसका नुकसान ये प्रोग्राम अब फाइनली समझेंगे, अब इस प्रोजेक्ट को डिले नहीं किया जा सकता क्योंकि इस हाईवे की जो ट्रैफिक है उसकी वजह से दोनों शहर जो है वो बंद हो जाते हैं और घंटों ट्रैफिक जो है वो जैम रहती है। अब इनकी मजबूरी है कि अगस्त 24 तक इस रोड को ऑपरेशनल करना ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अच्छा जी, अब ये जो नया लेआउट प्लान है ना जो अभी अप्रूव हुआ है, जो 24 में जिसको इम्प्लीमेंट करना है, इसमें अगर आप देखें तो कई हाउसिंग सोसाइटीज़ जो इस रिंग रोड के ऊपर आ रही थी जिसपे लोगों ने अरबों रुपये की
इन्वेस्टमेंट की है, लग ये रहा है कि बड़े बड़े सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब जो 64 किलोमीटर से कम करके 38 किलोमीटर किया गया, इसमें दर्जनों हाउसिंग सोसाइटियां जो है उड़ जाएंगी। अब यह है कि जितने भी लोगों को इन्होंने वहाँ की कितनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, कईयों को आरडीए ने क्लियर किया कि ये आरडीए से भी क्लियर नहीं है और उसकी बकायदा उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी दी है, लोगों के अरबों रुपये उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। सोसाइटीज़ को अगर रिंग रोड पे रास्ता नहीं मिलता तो उनको अप्रोच, जाहिर उनका रास्ता जो है वो लॉक हो जाएगा, और उन्हें अगर छोटी सड़कों से रास्ता मिलता है तो उस ज़मीन की वो वैल्यू नहीं होगी जो कि रिंग रोड पे रास्ता मिलने की वजह से, इजी अप्रोच की वजह से लोगों के। रिंग रोड पे आने का मतलब यह है कि आप जस्ट लाइक हम मोटरवे पे आ गए, वो जो सोसाइटीज़ हैं और उनकी जो उसकी जो वैल्यू है वो करोड़ों में बढ़ जाएगी। लेकिन अब अगर वो सोसाइटीज़ को इन्होंने जो निकाल दिया है तो ये सारी देखें ना पॉलिटिकल मैनिपुलेशन जो की है इन्होंने, नए केस खुलेंगे जो जिन्होंने पैसे लिए हुए। ये बात आपकी 100% ठीक है। उस वक्त वहाँ के जो कमिश्नर पिंडी थे कैप्टन महमूद साहब, वो और जो जिन लोगों का नाम मैंने पहले पीटीआई के जो जुल्फी बुखारी और पूरी टीम थी इनकी जिसमें फराह गोगी थी और जो लोग थे, इन सब लोगों ने उन सोसाइटीज को सबस बाग दिखाए जिन्होंने अरबों रुपए की फाइलें अपनी बेच दी सिर्फ लोगों को ये नाम देखे कि ये सारे रिंग रोड पे आ जाए। सोसाइटीज वाले इन पे भी केस करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे केस, इन पे भी केस हो गए। इन सब की जो सोसाइटीज के जो केसेज हैं ये नैब में जाएंगे और जिन्ना खादियाँ गाजरा टेडो ना दे होंगे। आज शादी आपने फैज साहब पे बात नहीं करनी क्योंकि पिछली दफा आपने बहुत ज्यादा बात की थी फैज साहब। फैज साहब के बारे में लोगों का जानना बड़ा जरूरी है। फैज साहब ने इस मुल्क में बड़े काम किए हैं, उनके बड़े फॉलोअर्स हैं, और यही फैज साहब का जिक्र अगर नहीं होगा तो फिर मुल्क के हवाले से तो इनकलाब की कोई बात ही नहीं होगी। आपको पता है कि कल जो पीटीवी फैज अहमद फैज साहब का कल बरसी थी, उस पे उन्होंने अहमद फराज की तस्वीर पीटीवी पे चला दी। तो फैज इस तरह जिस तरह आप मुझ पे पाबंदी लगा रहे हैं तो लोगों को फैज तो भूल जाएगा। पीटीवी में इन्होंने इतनी पॉलिटिकल जो है ना भर्तियां की हैं कि अब उन्हें ये भी नहीं पता कि ये फैज अहमद फैज की पिक्चर कौन सी है और जनरल फैज की पिक्चर कौन सी है। चकवाल के क्या हालात है अभी, क्या चल रहे हैं वहाँ पे? मसला ये है कि चकवाल के साथ जो पिछला दौर गुजरा ना पीटीआई का, बजायर वहाँ पे बड़े काम हुए लेकिन वहाँ पे बड़े जुल्म हुए। सिर्फ मैं दो पे बात करूंगा, एक तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से। उसमें ये हुआ कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतीजे में सरदार गुलाम अब्बास खान, जिस पे पिछली दफा हमने बात की थी, लोगों का उसमें काफी इंटरेस्ट है। जो उनका सियासी जानशीन था वो आफ्ताब अकबर था, वो साबिक एमपीए भी वो रहे, बहुत अच्छा यंग पॉलिटिशियन है, वो ही उनके मुकाबले में खड़ा कर दिया गया। अच्छा। उन्होंने उसकी तरबियत की। हाँ। और उसका नतीजा ये हुआ एक साइड पे कि सरदार गुलाम अब्बास खान जो है उन्हें हार्ट अटैक हुआ और दिल के मरीज हो गए। तो मेरी उनसे बात हुई है इस पे, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें इस बात का इतना बड़ा सदमा हुआ, उन्हें दिल का अर्जा लाख हो गया। इसी तरह दूसरी साइड पे इधर से आफ्ताब अकबर को अपने बहुत ही क्लोज रिश्तेदारी, उनके वालिद के मेरे ख्याल फर्स्ट कजन है, उनके मुकाबले में भी लाज कर दिया गया। और जब उनके मुश्किल वक्त आता गया तो वो बंदा उसको उन्होंने साइड पे मुकाबले में खड़ा कर दिया। और दूसरी साइड पे ये किया कि जो वहाँ पीटीआई के पहले दो एमपीए के उम्मीदवार हैं, बड़ा काम था अपने अपने हलके में, जिसमें पी निसार कासिम है जो करसाल से बड़ी सरकार की फैमिली से जिनका तलक है, उन्होंने पिछले दौर में 40,000 से ज्यादा वोट लिए, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। दूसरा वहां पे एमपी रहे हैं मलिक शबाज खान बुछाल कला, यहाँ के मिस्टर वाई भी वो बहुत ज्यादा इमरान खान कहते थे, वो उसी गांव के चले गए, वहां पे काफी जर्नैल है। उनका बेटा अख्तर शबाज उसका नाम है, अपने हल्के में बहुत उसकी फॉलोइंग है, उसको भी टिकट नहीं दिया गया। इन दोनों को एक बंदा बाहर से ला के उसके हक में ढा दिया गया, इस तरह इनकी हक तलफी हुई। तो मैं ये समझता हूँ। दूसरा एक जो बड़ी ज्यादती हुई वहां पे, इसको लोगों इसकी वजह से वहां लोगों की बड़ी डिस्टर्बेंस हो गई, दड़े टूट गए इधर के उधर उधर के इधर, जो पुराने मुखालिफ है अजीब तमाशा बन गया। मेरे ख्याल ये नहीं करना चाहिए था, किसी की भी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि वहां पे एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला का कैंपस खुला 900 कनाल पे, वो सरदार अब्बास का प्रोजेक्ट था और उसमें क्लासेस हो रही थी वहां, क्योंकि फैक्ट्रियां भी लगी हुई हैं, डीजी सीमेंट है, सर अनवर परवेज की एक फैक्ट्री है बेस्ट वे, वहां जो लेबर चाहिए तो उस तरह के वहां पे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। राणा साहब वहां पे उन्होंने ये किया कि हालांकि वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर चकवाल से था राजा यासर सरफराज, उसके दौर में उस यूनिवर्सिटी को बंद करवा दिया गया। क्यों बंद करवाया, क्या वजह? उसका था कि ये क्योंकि उनके सियासी मुखालिफ सरदार अब्बास का प्रोजेक्ट है, उसको आगे नहीं चलाया गया।
और वो हालांकि सरदार अब्बास जो है और जो राजा सरफराज है उनकी बड़ी क्लोज रिश्तेदारी है। और तीसरा एक और चीज भी मैं आपको बताऊं कि जो राजा यासर सरफराज है उसको इमरान खान वजीर आला के लिए कंसिडर कर रहा था, लेकिन उसकी भी चकवाल से मुखालफत हुई कि वजारत आला चकवाल में ना आए। शायद चकवाल में आ जाती तो चकवाल का नक्शा बदल जाता है, वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेहतर हो जाता। आपके ख्याल में ये जो पहले पिछले दौर में जो होता रहा इसके अब क्या असरात होंगे वहाँ पे? उसके अब असरात ये है कि राणा साहब राजा यासर सरफराज तो जैसे पीटीआई पे बुरा वक्त है तो सियासत ही छोड़ गया ना। अच्छा, वो सियासत छोड़ गया। और तीसरी साइड पे जो हमारे वजीर मादनियात थे वहाँ से तलागंग वाले हल्के से और चौधरी परवेज इलाही की राइट हैंड, वो जैसी हुकूमत बदली है तो एक तेल वाले मुल्क में चले गए। लोग वहाँ उनका अजीब मजाक बने हुए हैं, वो कहते हैं ये एक तेली मुल्क में चले गए। वो वैसे ही जैसे शेख रशीद एक दफा मिनिस्टर थे इन्फॉर्मेशन के, वो जोशी खिताबत में उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान जो है सिर्फ मुसलमानों में ये एटमी मुल्क है, बाकी सारे तेली मुल्क है। तो इस तरह का और उनके अड्डे शड्डे सील हो गए हैं, बाकी वो फैमिली बच्चों समेत उन पे भी करप्शन के चार्जेस हैं। वो जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई तो वो सऊदी अरब में है या किसी और मुल्क में, पूरी फैमिली के साथ भाई बहनोई उनके बहनोई भी पटन मादनियात के केसेस बने हुए हैं। हमारे कुछ दोस्त उनकी बड़ी सपोर्ट करते हैं जिसमें मलिक शमीज अवान आप जानते हैं या इस्लामाबाद में बड़े यूनियनिस्ट हैं ZTPL के, काम तो मेरे ख्याल है उनका भी नहीं, लेकिन उनके के हवाले से बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, उनके लिए कैंपेन करते रहते हैं। तो बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि उनके हवाले। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में बड़ी जो है ना आपकी बड़ी खबरें आपकी होती हैं, तो अभी ये जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शाहिदा शाहिद के आने के बाद आप क्या समझते हैं कि जो इशू है ये रिजॉल्व हो गया? बेसिकली मैं पहले बल्कि बात करता हूँ कि ये इशू था क्या। इशू ये था कि इंफॉर्मेशन ग्रुप जो है वो भी और मीडिया ये समझता है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की पोस्ट है वो इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसर का हक है, जबकि दूसरी साइड पे व्यू ये था कि जो मिनिस्टर है मौजूदा मुर्तजा सोलंगी वो भी जर्नलिस्ट है, उनका था अपॉइंटमेंट करना मेरा राइट है कि जिसको मैं इंफॉर्मेशन से लगाऊँ या बाहर। नतीजा ये हुआ कि बाहर से वो जहूर अहमद साहब को लाए जो सेक्रेटेरियट ग्रुप के थे, वो उस तरह नहीं चला सके, फाइनली वो रिमूव हो गए। अब मैडम शाहिदा शायद जिनकी सर्विस नेक्स्ट ईयर में खत्म हो रही है, मेरे जुलाई में हो जाएगी, इस हद तक तो इशू खत्म हो गया। दूसरी साइड पे एमडी पीटीवी का भी जोर साहब के पास अहदा था, वो भी सैयद मुबशर तो की उनकी समरी भी अप्रूव हो गई है, वो भी एक दो दिनों में चार्ज ले लेंगे। जो एमडी पीटीवी की पोस्ट है एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को जब सेक्रेटरी का चार्ज दिया जाता है तो उसके दो ऑडिट पैरे पहले बने हुए हैं, ये कल फिर नया एक ऑडिट पैरा बनेगा। इस हवाले से भी हुकूमत को इशू आएगा, लेकिन वो अदरवाइज सैयद मुबशर तौकीर है जो इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसर है, बड़े जेंटलमैन और बड़े अच्छे अफसर है। एक एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट है जो कि वजारत इत्तला'आत में वो भी खाली है, उस पर लगता है ग्रेड 21 के अफरार में से जिसमें पोस्टिंग के लिए मुंतजर है सुहेल अली खान साहब, उनको लगाया जा सकता है। सुहेल अली खान साहब बहुत अच्छे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के तौर पर भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनको बजाय वहाँ पे रखना चाहिए दोबारा। मेरा तो जाहिर है उनसे पर्सनली भी बहुत अच्छा तलक है, मैं समझता हूँ इंफॉर्मेशन ग्रुप में एक बहुत अच्छे अफसर है सुहेल अली खान जो अब इंफॉर्मेशन के मामला को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके जर्नलिस्टों के साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुक है, उनके जो सहाफियों के साथ उनकी वेलफेयर के हवाले से उनकी बड़ी खिदमात हैं, तो इस तरह के एक ऐसा बंदा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शाह जी एक ऐसा बंदा होता है कि जो देखें जिसका 24 घंटे लेजॉन है सहाफियों के साथ, तो वो एक ऐसा बंदा होना चाहिए। लेकिन वो बेसिकली 21 में थे, अब जाहिर है उन्होंने 22 में जाना है, मिनिस्टर के साथ उनका उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जिसकी वजह से ये इशू हुआ। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये इशू किसी हद तक खत्म हो जाएगा। दूसरा मैडम शाहिदा शायद जो है ना वो बिल्कुल ही न्यूट्रल किस्म की अफसर है, प्योरली इंफॉर्मेशन की अफसर है, लोगों को डांट भी मुस्कुरा के लगा रही होती है, मुस्कुरा रही होती है और साथ डांट रही होती है, तो इसलिए उनका भी बड़ा रिस्पेक्ट है अपने ग्रुप में। और दूसरी दफ़ा अल्लाह ताला ने उन्हें मौका दिया है, उनके मियाँ भी शायद साहब तो सेक्रेटरी फाइनेंस रहे हैं पाकिस्तान के और ब्यूरोक्रेट फैमिली से तलक है। लेकिन आने वाले दिनों में एक और चीज जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि हो रही है वो PIO के लिए एक नया नाम भी डिस्कस हुआ है। तारिक खान साहब इस वक्त काम कर रहे हैं लेकिन PIO के लिए एक नया नाम भी इस वक्त डिस्कस हो रहा है, वो है ब्रिज लाल, ग्रेड 20 के अफसर है इंफॉर्मेशन ग्रुप के, मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने DG मीडिया वजारत खजाना फॉरन पोस्टिंग ईरान में वो प्रेस काउंसलर रहे हैं, सिंह से उनका तलक है, उनको
कंसिडर किया जा रहा है नए पीआईओ के लिए? मिनिस्टर साहब लाना चाह रहे हैं क्योंकि काबिलियत बंदा लाना चाह रहे हैं पीआईओ। अब आप किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल इन्फॉर्मेशन ग्रुप का कोई भी अफसर 20 का पीआईओ लग सकता है। इस पे सोचा जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही अभी इब्तदाई सूरत हाल है। अभी इस पे समरी बनेगी या ईसीबी, ये कब डिसीजन होता है, लेकिन कंसीडर बड़ा संजीदगी से किया जा रहा है और इस पे डिस्कशन हो रही है कि ब्रिजलाल को मिनिस्टर साहब ने कहाँ से निकाला है, क्योंकि वो उन्होंने इस तरह की बड़ी पोस्टिंग नहीं की। हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक है, लेकिन बहुत प्रोफेशनल अफसर है वो भी, इस तरह नहीं है। काम उन्होंने किया है, डी जी एचपी के तौर पर भी काम किया, पीआर जर्नलिस्टों से भी उनकी भी अच्छी है। ये सूरत हाल आने वाले दिनों में। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारी कोशिश होगी कि हफ्ते में 2-3 दिन जो है आपकी खिदमत में हाजिर हो, ताज़ा तरीन जो एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाए। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, और पिछली दफ़ा जितने दोस्तों ने राय दी उससे हमारी हौसला अफजाई भी हुई और कहीं हमारी रहनमाई भी हुई। तो आपके पास भी कोई न्यूज़ स्टोरी हो तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।